हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बासलाहियत और सरशार फनकारों से भरी हुई है। लोग अपनी फनकाराना महारत से मोहब्बत करते हैं। ये फनकार हमारा असासा हैं और यकीनी तौर पर बैनुल अक्वामी सतह पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने की ताकत रखते हैं। ये मशहूर शख्सियात अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात मनाती नजर आती हैं। हमने मुतअद्दिद बार अपनी मशहूर शख्सियात को कॉस्मोपॉलिटन तकरीबात मनाते हुए देखा है। होली हो, दिवाली हो या हेलोवीन, वो पार्टियां करके तकरीबात से लुत्फ़ानंदोज़ होना यकीनी बनाते हैं। आइए देखते हैं इस बार हेलोवीन पार्टी में कौन कौन से पाकिस्तानी स्टार मौजूद थे। हाल ही में दुनिया भर में हेलोवीन का त्यौहार मनाया गया। ये तकरीब बुनियादी तौर पर मसीही त्यौहार से ताल्लुक़ रखती है और 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस शाम को सॉटन की शाम के तौर पर समझा जाता है। हेलोवीन की शाम को आयरलैंड, फ्रांस और बरतानिया समझा जाता है। ये यकीनी तौर पर गर्मियों के मौसम को ख़त्म करने और तवील तारीख और सर्द सर्दियों के आगाज़ के इशारे देता है। बहुत से लोग इसे मरने वालों को याद करने के लिए वक्फ शाम के तौर पर समझते हैं। अब आते हैं हमारी सनद के मंजर नामे की तरफ। ये मशहूर शख्सियात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस मौके को मनाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। इस हकीकत से कतई नज़र कि हमारी सकाफत का इन त्यौहारों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी तकरीबात के बाद लोग उन तकरीबात को मनाने पर तनकीद करते हैं। हाल ही में इस तकरीब को हमारे बहुत से सितारों ने मनाया। ये सितारे खौफनाक मेकअप के साथ मुख्तलिफ मलबूसात में मलबूस थे। अली ज़फ़र और गुलूकारा एनी खालिद हैरत अंगेज़ लग रहे थे। एनी खालिद ने अपनी प्यारी बेटी के साथ अरबी लड़की का रूप धारा हुआ था। गुलूकारा एनी खालिद ने हेलोवीन के लिबास में अपनी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा कि हैप्पी हेलोवीन। उनकी तस्वीरों की पोस्ट के बाद लोगों ने उनके रूप को बहुत पसंद किया और उनकी बेटी की भी तारीफ़ की।